ये है राम सिंह का घर। तारा और सितारा को पुलिस और कोबरा से बचने के लिए इससे अच्छा ठिकाना और कहां मिलता। वैसे तो हर घर में घुसना तारा और सितारा के लिए बहुत आसान बात थी। चलिए देखते हैं राम सिंह के घर में घुसने के लिए अब ये कौन सा नया गुल खिलाते हैं। 100 का नोट। हे भगवान, हाथ की खुजली ही मिटानी थी तो 500 का नोट दे देता। 500 का नोट। आज किसका मुंह देख के उठाता सवेरे सवेरे। हे भगवान, अगर इतने मेहरबान हो तो नोटों से खचाखच भरा पर्स दे दो, मजा ही आ जाए। नोटों से भरा पर्स, मैं पागल हो गया। चार, पांच, छह, सात। कमीने, कुत्ते, आज तेरी खुजली हम मिटाएंगे। ओए यार, सड़क के ऊपर हमारा पार्स वार्स क्या पड़ा हुआ था, तूने चोरी चोरी कर ली? नहीं नहीं, हम चोरी नहीं करते, यहाँ पड़ा हुआ था। ओए पड़ा हुआ नहीं था, हमने हिफाजत से रखा हुआ था सड़क के ऊपर। पापा जी, इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। चल पुलिस स्टेशन चलो। चल साहब, नहीं साहब, हमको पुलिस स्टेशन मत ले चलिए साहब। क्यों है? हम बहुत गरीब आदमी है, मेरी एक माँ, दो भाई, तीन बहने, तीनों की शादी करनी है। ऐसा करिए साहब, दो के साथ आप शादी कर लीजिए, तीसरी के लिए मैं आपसे अच्छा ढूंढ लूंगा। होते के बच्चे, तुझे हम जैसे नोबल क्लार्क केबल मिलेंगे। ओ, इसकी पर्सनालिटी देख, देख उसकी पर्सनालिटी, इधर देख, मेरी शक्ल देख, हैं, देख रहा है, समझ रहा है? और गल सुन, पाजी तुसी छोड़ो। ओ पुत्र, असी तेरे बहना नाल शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी शादी के लिए हेल्प करेंगे। किस तरह से हेल्प? ले फड़ 100 रुपया में हेल्प। और नहीं, तू ज्यादा ले ले, तेरा कोटा बड़ा लग रहा है। और सुन जी, ओए बंदे गिन मत। और सुन, बताई कि इसके बदले में तुझे हमारी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। कैसी मदद? ओ बड़े पाजी ने पूछ, छोटे ने पूछ, और सितारा जी ने पूछो है, तारे ने पूछ, और सितारा जी ने पूछा है, और तारे ने पूछा है। भाई काहे परेशान कर रहे हो? ओए तो पूछ रहे हैं कि डांट रहे हैं? नहीं, बता दीजिए ना। माँ जी, माँ जी, ये देखिए आपका मंगल सूत्र, ये देखिए। अरे ये तेरे पास कैसे आया? चोर चुरा कर भाग रहा था। हे भगवान, एक ही तो उनकी आखिरी निशानी है जिसे मैं रोज देखती हूँ। अच्छा बता छोटू, तूने चोर को पकड़ लिया? हमने नहीं पकड़ा, ये दो शरीफ लोग, तारा जी और सितारा जी, इन्होंने चोर को पकड़ा है। जुल्म सितारों का आंगन होगा। भाई सितारा, वही आंगन थे, वही नजारा, कोई जरा भी नहीं बदला। कार हमारा, वही कार, वही खिड़कियाँ, वही दरवाजे और पर्दे भी हैं जी। आप पहले भी इस घर में आ चुके हैं? आ चुके, असि तो पैदा ही इत्थे हुए सी। है जी, है जी। साडा मुंडन ते नामकरण इत्थे हुआ सी। ओह जी, मैं तारा ते मैं सितारा। उस वक्त साडे प्यो दे सितारे गर्दिश सी। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए उनको ये मकान बेचना पड़ा। और उसके बाद से आज तलक हम दोनों भ्राओं को अपनी माँ ते प्यो की बड़ी याद आती है। ना ना बेटा, सबर से काम लो। माँ भी ऐसी करती थी। होल्ड करी यार, होल्ड। बाजी, ओए, हाँ जी, ना तारे, ना। की बताऊँ, माँ जी, ओ याद आ गई जी, बड़ी याद आ गई। तुसी ग्रेट हो माता जी। बाजी बच्चा, ओ ये बच्चा है? ये बच्चा नहीं है, ये बड़ा बच्चा है। ओ माय गॉड, भाई तारे। हाँ, तेनु याद है बचपन में मैं इसी तरह चॉकलेट लेके आया करता था? और मैं छीन लेंदा सी। और मैं तेरे से छीन लेंदा सी। पाजी, हाँ जी, आपको पता है मुझे भी ऐसे छीन के खाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, और तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा भाई। जिंदे रहे पुत्र। हाँ पाजी। भाभी, माँ, पाजी मिल गया, पाजी मिल गया, पाजी मिल गया, मिल गया, पाजी मिल गया। अरे पाजी मिल गया, क्या मिल गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पाजी ने अपना कमरा मिल गया। कोई कमरा नहीं पाजी, मेरा बेडरूम, मेरा बेडरूम मिल गया पाजी। ओए होल्ड यार पाजी, वही रंग ते वही टांग। ओए होश में आ यार। ओए होश में तो हो पाजी, ओए होश में तो बोल रहा हूँ पाजी। ओए आज इस घर को देख के मैं बड़ा इमोशनल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया। हाँ जी, अगर तुझे इस घर से इतना लगाव है तो सामने वाले होटल में रह के वहां बैठ के देखते रहना इस घर को यार। होटल में रहना पड़ेगा? हाँ जी। आज, अरे तो बेटे कुछ दिन यहीं रह जाओ ना, है? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। माताई। ओए तारे, ना ना। नहीं मैं उठ नहीं सकता ना, तो मैं पांव छुरिया सी। अच्छा।
भाई सितारे। बोल भाई तारे। यार कुछ याद आया? उनकी यार। ओ यार इनकी शक्ल ते पर्सनालिटी और जवानी में जैसे साडे डैडी लगदे सी। हाँ यार। नहीं वही मुछे। हाँ। वही लंबा कद। हाँ। वही रुबाबदार चेहरा। हाँ। कोई फर्क ही नहीं है यार। हाँ। कौन है ये लोग? ये मकान पहले इन्हीं का था, कुछ दिनों के लिए आए हैं तो हमने कहा यहीं रह जाओ। मैं किसी भी अजनबी को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देता। चलो भाई। हाय चले। व्हाट डू यू फील? नो आई फील पाजी, जब ये गाड़ी साडा नहीं है तो यहाँ के लोग साडे कैसे हो सकते हैं? अच्छा। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे है? यहीं रहोगे। बेटा तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने मेरा कितना बड़ा काम किया है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। फौजी है ना, किसी पे जल्दी विश्वास ही नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। अरे छोटू। जी माँ जी। इन दोनों का सामान आउट हाउस में रख। जी माँ जी। लाइए सितारा जी सामान। माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। सामान दे दीजिए। उसको नहीं देखा हमने कभी। राम सिंह जी मैं गड्डी चला लूंगा। तो कोई नहीं। ओ छोटू जी, ओ तो सामान शुमान चप्पल चप्पल लेकर अंदर क्यों घुस गया? मैंने बुलाया से। आपने? है जी। वो हम लोग आउट हाउस में ठीक थे, अंदर क्यों घुसा रहे हो घर में? ना तो घर में रह रहा है ना तो आउट हाउस में। ये जज्बाती बातें करके तू मेरी फैमिली के दिल में घुस सकता है, मेरे नहीं। अच्छा एक मिनट, वो सितारा जी बाहर मिलेंगे तो सही? ओ सितारा प्रा थोड़ा गेट पर इंतजार कर रहा है। अच्छा उनको पहले ही घर से निकाल दिया? अच्छा आजा छोटू। यार ऐसे नहीं लगता है कि बड़ी इज्जत से बेइज्जती हुई है? हैं हैं मुझे भी लग रहा है। पाजी तू भी आ गया। पाजी मैंने बड़ा इमोशन में भजन गाया पर राम सिंह मेरे आटे में नहीं आया। बड़ा शातिर बंदा है। मैंने तो सुना है कि आपको कपड़े भी नहीं बदलने देते। तू कपड़े दी बात कर रहा है, उन्होंने तो मुझे बाथरूम भी नहीं जाने दिया यार। ओ यार सुनो, ओ मेरे वड्डे पाजी के लिए डब्बा लेके आया। चुप यार, तेनू पता है जब मेरा दिमाग घूम जाता है तो मैं घुमा घुमा के बंदे नू मारदा। पाजी आज तो मेरा भी दिमाग बड़ा घुमा हुआ है पर यार राम सिंह पे गुस्सा तो नहीं उतार सकते ना। फिर कैसे रहेगा? नहीं साहब हम बहुत गरीब आदमी, हमारी एक माँ दो भाई तीन बहने, तीनों की शादी करनी। मैं कल्ला शादी करता हूँ। ओए लुक तो दोनों फ्री लांसी। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से। एक बात बताइए साहब, आप लोग तो ये बंगला खरीदने आए थे, आप तो यहीं पर डेरा जमा लिए। हम दोनों प्राव का क्या है ना, हम लोग मार्केट से जूते भी खरीदते हैं ना तो उसको भी ठोक बजा के देख लेते हैं, पता नहीं कब चलाने के काम आ जाए। है जी एक बात बोलूं साहब, आप जब भी ये बंगला खरीदिएगा नौकर हमको ही रखिएगा। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहने हैं और उनकी शादी भी करनी होगी। जी साहब बंगले पे निगाह है। गाल सुन जी, नाश्ते का बंदोबस्त कर यार। जी साहब उनकी है यार। साहब भूलेंगे तो नहीं? अरे नहीं भूलेंगे यार। अरे मालूम है यार तेरी तीन माँ है, 3,000 भाई है, 3.5 लाख बहन है। नहीं एक माँ। अरे चले यार माँ बहन कर रहा है दिमाग की। बात नहीं बात कर रहा है, गल कर रहा है लुदा पट्ठा। तारा जी कुछ दर्द महसूस हुआ क्या? नहीं कुछ महसूस तो हुआ है लेकिन दर्द नहीं। नहीं अब जरूर होगा। अब दर्द महसूस हुआ? नहीं कुछ महसूस तो हुआ लेकिन दर्द नहीं। तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ पिंकी जी कि आपको हमारे इलाज की कितनी परवाह है, कितना दिल से इलाज कर रही हो और पुलिस की तरफ पीछे पड़ गई हो। पर मुझे लगता है कि ये बेंत ही नकली है। पिंकी जी तुझे कितनी छोटी सी बेंत लेके मेरे पीछे मेरा इलाज कर रहे हो जबकि बटे 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 डंडे टूट गए। पाजी हाँ जी वो देखो यार। की वो देखो वो छोटी सी केन छोड़ दो, मैं इस हंटर से तारा जी के पाँव पे मारूंगा, उनके पैर में दर्द पैदा करूंगा। हट जाओ। ओए पाजी, है जी? ये पूरी फैमिली मेरा इलाज करने के लिए क्यों पीछे पड़ गई? ओ यार ये राम सिंह दा सिंह मेरे कल्ले क्यों आ रहा है? ओ एनु का होल्ड यार, क्लीन बोल्ड यार। क्यों? राम सिंह का सिंह राम सिंह कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं की करा यार। इतना बड़ा डंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। जब वो लट्ठे जिसने टनों के हिसाब से तेल पिया है और दर्जनों का तेल निकाल दिया है इसके पड़ते ही तारा जी की टांगे अपने। पाजी सुवारे नु संभालो, ये पागल बंदा है। और बंदा भी नहीं है, बंदर बंदर। लट्ठे बादशाह पीछे देखे मार खाए। लट्ठे बचा लो पाजी।
ओके होल्ड यार प्लीज। राम खोल और बदमाश ओए कमीने मेरा इलाज कर रहा थी। अरे हमको क्यों मार रहे, हम तो आपका इलाज कर रहे थे। ओ हम भी आपका इलाज ही कर रहे हैं, हैं पाजी? है जी, give him a banana. Yeah, that will give him some extra energy. ले फाड़। इनका इलाज कोई नहीं कर सकता। चुप बांदर, ऐसा नहीं बोलते। इलाज तो होगा मगर प्यार से, है जी। लीजिए चाय। छोटे बात तो बता। हाँ। ये आग और जलन कैसे पैदा करते हैं? पेट्रोल से। हाँ? हाँ हाँ, पेट्रोल में आग लगाइए, उस आग से जो जलन पैदा होगी उससे वो गाड़ी के इंजन की तरह भक 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 इधर से उधर दौड़ने लगेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक्स। अरे हाँ, इसी को तो शॉक थेरेपी कहते हैं। आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है बड़ा, ओ मेगा बहुत ज्यादा ही बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है। फड़ फड़े पकड़ ले। आज ओए नागाने के लिए दिया यार, मत करना इतना। ओए पिगी जी, पिगी जी मेरे इर्द गिर्द झाड़ू, इतना पानी क्यों दे रही हो? अरे ये पानी नहीं पेट्रोल है। ओए लेकिन मेरी गड्डी तो हाथों से चल जाती है, पेट्रोल की क्या लोड है? अरे तारा जी, ये आपकी गाड़ी चलाने के लिए नहीं, आपको चलाने के लिए है। मेरे को चलाने के लिए? शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी? बहन दे टके, रोज रोज मेरे लिए नई थेरेपी ले आते हैं, पता नहीं अब क्या करेगी, आग तो नहीं लगाएगी। काले काले घटा चल रही है, ओए मैं क्या हर कली मुझ पे शक कर रही है। ओए फुलो काटो विची, ओए मेरी जान कुटिया, मैं क्या तारा जी तो टंगिया टेंक दिया, ठूंठ जैसे खड़े हो गए। ओए तू देखने दीजिए ना हमको। ओए तेरे, तू खड़ा हो गया, पागल तो नहीं हो गया यार? हाँ, ये मैंने क्या किया तारा जी? मैं खड़ा हो गया तारा जी? हाँ? हो अब दोनों पैरों पे खड़े हो गए, मैंने आपका इलाज कर दिया तारा जी का। साहब जी तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, मुबारक हो मुबारक हो। साहब जी आपकी तो भगवान ने सुन ली, आप मेरी सुन लो। हम बहुत गरीब आदमी, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहने हैं। माँ की शादी करवानी है, बहनों को नौकरी दिलानी है, भाइयों के हाथ में मेहंदी लगानी है। माँ की शादी नहीं करनी है, मैं देख लूंगा ना। तुम आप क्या देख लोगे, माँ की शादी करनी है? अरे सुनो रे भाई तारे, बोल सितारे। अजी ना, मैंने तेरे पर बहुत प्यार आ रहा है। की कह रहे हो? मैंने तेरे लिए 50-60 डुएट गाने लिखे थे। हाँ। तू एक ही गाने में खड़ा हो गया यार। ओए पाजी मैं पंजाबी हूँ, आई कांट होल्ड, दैट्स वाई उस कुड़ी का कर दिया मैंने क्लीन बोल्ड। हाँ जी हो गया। मैम साहब सुनिए ना, हम बहुत गरीब आदमी है, हमारी एक माँ दो भाई तीन बहनें, तीनों की शादी करनी है। हमारी दो बहनों के लिए तारा जी और सितारा जी कैसे रहेंगे? ओए बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। का है, का खराबी है उनमा? चल जाना यहाँ से, कोई और लड़के ढूंढ। घर से बाहर निकलो तब ढूंढू ना, घर से बाहर निकलने नहीं देते, घर में आने वाला करने नहीं देते, अपना पूत पुतंगड़ दूसरे। अरे तारा जी सितारा जी आइए बैठिए ना प्लीज, कुछ खाइए, वहाँ खड़े क्यों हैं आप लोग? अगर आपको भूख नहीं है तो मैं आपके लिए जूस बनवा दूं। अरे क्या बात है बेटा, परेशान हो? नहीं माता जी, बिल्कुल परेशान नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ थोड़ी टेंशन जरूर है। वो क्या हो गया, कल रात को हम दोनों प्राणे ने एक साथ खराब सपना देख लिया। सपना देखा? हाँ। क्या सपने में? हमने एक सांप देखा, एक कोबरा। आहो ओह, 10 नंबर था। ये तो बड़ा अशुभ सपना हुआ बेटा। हाँ? कहते हैं कि ऐसा सपना दिखे इसका मतलब होता है कि दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। पर कोई बात नहीं, फिक्र ना करो। ऐसा करो, एक छोटा मोटा सांप लेके उसे दूध पिला डालो। छोटा मोटा सांप मतलब छोटू को दूध पिला दे? बेटर है। हाँ। पाजी, 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 पाजी,
छोटू, और तू सवेरे सवेरे इधर क्या करने आ गया? अरे यही तो हमें आपसे पूछना चाहिए थे, आप आउट हाउस की बजाय यहाँ क्यों सो रहे थे? ओए बेवकूफ, हम लोग जो है ना मेहमान है, मेहमान कहीं भी मंजी डाल सकते हैं, तू इधर की कर रहा है? अरे राम सिंह साहब फोरन बॉर्डर की चौकी की चेकिंग के लिए जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, उसके लिए गाड़ी साफ करने आए थे। मेहमान बन के कहीं पाजी है जी, और राम सिंह यहाँ है तो कोबरा यहाँ नहीं आता है, पर राम सिंह चला जाएगा तो साड़ी सेफ्टी दा की होगा, तुसी कुछ दसो। तारा पाजी, हाँ जी, एक छोटा जी आइडिया है। बोलो। क्यों ना ऐसी राम सिंह जी नाल बॉर्डर चले जाए और मौका मिलते ही बॉर्डर क्रॉस कर जाए। अरे छोटू तू जी, आज मामा जी को भी साथ ले आए? वो मामा जी को रेजिमेंट देखना था ना, उसके लिए लेके आए। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए, जाइए मामा जी, जाइए। चलिए मामा जी, आइए 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 ना, आइए आइए मामा जी। देखा छोटू का कमाल, मानते हूँ कुछ। अरे हम तो कहते हैं अपना रुतबा राम सिंह साहब से कम नहीं है। अगर आप वहाँ अकेले आते ना तो आपको गेट से ही बाहर भगा देते, अंदर नहीं आने देते, चाहे आप तारा जी सितारा जी के मामा। सही कहा तुमने छोटू, का कमाल है। नमस्ते छोटू, बहुत इज्जत करते हैं सब अपनी। कोई चिंता वाली बात नहीं, जब तक आप मेरे साथ हो कुछ नहीं हो सकता। आप तो बस पीछे पीछे मेरे चले आओ, आंख मीच के इधर उधर मुड़ना नहीं, नहीं तो गोली में मार देते हैं। पकड़े गए ना मामा जी? क्या मतलब? हम सब जानते हैं कि आप इस वक्त दबे पांव किस इरादे से जा रहे हैं। किस इरादे से? चोरी के। चोरी के? हाँ, घबरा गए ना, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहां आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कहाँ जा रहा हूँ? किचन में। आपको भूख लगी है ना? किचन में? हाँ, आपको भूख लगी है ना? भूख लगी। हम अभी खाना बना के लाते हैं। लोग सो रहे हैं, हम खाना बना के लाए आपके लिए। भूख मर गई, मर गई। तू जा, तू जा, तू जा। डैड, मॉम, डैड। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी पापा सो रहे हैं, उन्हें सोने दो ना। मुझे कल जल्दी स्कूल जाना है, और अगर इनसे फीस लेकर नहीं गया ना तो मेरी टीचर मुझे मार डालेगी। अरे तो मम्मी की परस से निकाल लो ना, लेकिन उन्हें सोने दो। तुम भी भैया। माता जी आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ, इधर दादी को बचाओ। सबर कर बेटा। ओए मोटे, तेरी दादी नो तेरा प्यो भी नहीं बचा सकता। और प्यो दा मतलब समझता है? फादर। डैड को कुछ मत बोलना। सबर रख। साहब जी, कसम भगवान की मर जाऊंगा, लेकिन आप पर आज नहीं आने दूंगा। चुप कर। आज नहीं आने देगा? ओए तेरी एक माँ, दो परात, तीन बहने, उनकी शादी किए बगैर मर जाना चाहता है? माँ की शादी नहीं की शादी? अबे साले, बहने कुंवारी रह जाएंगी साले, और मैं देखता हूँ कि माँ की शादी कैसे नहीं करेगा तू। कोई चलाकी नहीं चलेगी और होशियारी भी। ओए माता जी नहीं।